स्वागत है आपको श्रीवास्तव कैंपस चैनल पे। मैं इसके श्रीवास्तव पटना से श्रीवास्तव कैंपस। अब आज का जो टॉपिक है वो रीजनिंग टेस्ट होगा। अभी तक आपने टॉपिक पर रखा था, इसके पहले भी मैंने एक टेस्ट डाला था। आज ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टेस्ट 2 का है, और अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, पॉजिटिव अप्रोच क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, इन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोला 8 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी तथा एच एक दूसरे को सूचना देते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं तथा एक दूसरे से सूचना प्राप्त करते हैं। तो एक बी को सूचना देता है, एक किसको सूचना देता है, बी को। एक बी को सूचना देता है तो ये रुका निशान हो गया तथा सी से सूचना प्राप्त। ए बी को सूचना देता है तथा सी से सूचना प्राप्त करता है। फिर बोला एफ सी को सूचना देता है, एफ सी को सूचना देता है तथा बी से सूचना प्राप्त करता है। जो सूचना लेगा उसके तरफ पैरों का निशान जाएगा। फिर बोला डी ए तथा एस से सूचना प्राप्त करता है, डी ए तथा एस से सूचना प्राप्त करता है तथा एक को सूचना देता है। फिर बोला एच जी से सूचना प्राप्त करता है, एच जो है ना जी से सूचना प्राप्त करता है तथा ई को सूचना देता है, ई को सूचना देता है। बोला कोई तो फिर से देखते हैं, ए बी को सूचना देता है तथा सी से सूचना प्राप्त करता है, एफ सी को सूचना देता है। फिर बोला डी ए तथा एस से सूचना प्राप्त करता है और एफ को सूचना देता है, एच जी से सूचना प्राप्त करता है और ई को सूचना देता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें डिपेंडेबल जो क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को सूचना दिया जाए कि वो सभी व्यक्ति तक निश्चित रूप से पहुंचा देगा, मतलब कौन सा ऐसे व्यक्ति को हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो सभी व्यक्ति तक निश्चित रूप से पहुंचा दे। देखो अगर जी को सूचना देंगे तो जी किसको दे, एच को, एच किसको, ई को, और एच भी तो डी को भी तो देता है, और डी किसको, एफ को, एफ किसको, सी को, सी किसको, ए को, ए किसको, बी को, बी किसको, एफ को। यानी अगर हम जी को सूचना दे तो सभी व्यक्ति तक सूचना मिलेगा, यानी इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन ए में दिया है जी। यहाँ तक आपको का कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और क्वेश्चन बनाने में और मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचने में 10 मिनट लगता है, कितना समय, 10 मतलब एक से दूसरे तक सूचना जाने में 10 मिनट लगता है, तो डी से एक तक सूचना पहुंचने में कितना समय, डी से एच, तो एक दूसरे से सूचना पहुंचने में 10 मिनट, तो डी एफ को देगा तो मिनट 10, एफ सी को देगा तो मिनट 10, सी को देगा तो मिनट 10, तो 10 मिनट, 20 मिनट और 10 कितना 30, किसी न किसी ऑप्शन में 30 मिनट होगा, हाँ आंसर ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पासा से है। आपको पता होगा पासा का टॉपिक पे आपके साथ हम डिस्कस किए थे कि सिंगल डाइस या डबल डाइस, तो दो गो डाइस तो डबल डाइस। डबल डाइस में भी टाइप्स होता है, नो कॉमन डाइस, सिंगल कॉमन डाइस, डबल कॉमन डाइस और कंडीशनल डाइस। तो एक डबल है, दो गो डाइस यानी डबल डाइस, क्या क्या कॉमन से देखते हैं, दोनों में एक और एक कॉमन, दोनों में क्या एक और एक कॉमन। जब सबसे पहले तो कॉमन को खोज लिए, एक और एक कॉमन, और उसके बाद क्लॉक वाइज रोटेशन करेंगे, घड़ी के सुई के जैसा रोटेशन करेंगे बाबू का, तो घड़ी के सुई के जैसा जब रोटेशन होगा तो एक के बाद दो होगा, दो के बाद तीन होगा, एक दो तीन, और एक और एक कॉमन तो ये भी रोटेशन, एक के बाद छह होगा, छह के बाद पांच होगा, एक के बाद छह और छह के बाद पांच, यानी पांच के अपोजिट तीन, और तीन के अपोजिट पांच, दो के अपोजिट छह, और छह के अपोजिट दो। तो कहा बताइए कि यदि नीचे की सतह पे चार हो तो ऊपरी सतह पे क्या, तो तीन के अपोजिट पांच, दो के अपोजिट छह और एक के अपोजिट एक नहीं। अगर कॉमन के अपोजिट पूछे तो आंसर देंगे, जो नहीं दिखे सही आंसर। तो एक के अपोजिट चार, एक के अपोजिट चार, जब एक के अपोजिट चार तो चार के अपोजिट एक, आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा, ए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम पॉजिटिव अप्रोच से सोच के क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन बनाने में एकदम पॉजिटिव मतलब क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन पे माइंड होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर तीन को यहाँ पहले हम लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम जोश खरोश में रहना है। ये होगा क्वेश्चन नंबर चार जो दिया ना, सीरीज से इसे सीरीज लिखा ए सी, बड़ा गौर से देखिएगा जी ए, और फिर लिखा ई जी, और फिर डैश सी ई डैश, बनाना आसान है एकदम आसान। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो देखेंगे जो डिजिट दिया है या लेटर या सेंटर तो उसके बाद खाली है, तो फिर अगला स्टेप में उसके आगे जो देगा सही आंसर होगा। पूछा सी के आगे क्या, तो सी के आगे ये है तो यहाँ ये होगा। पूछा यहाँ ए के आगे क्या, तो ए के आगे क्या है सी, तो यहाँ सी होगा। पूछा जी के आगे क्या, तो जी के आगे क्या है ए होगा। और पूछा ई के आगे क्या, ई के आगे क्या, तो ई के आगे क्या है जी, तो यहाँ जी होगा। मतलब इसका आंसर होगा ई सी ए जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए है ना आपका, मैं ऐसे ही बनाएंगे सीरीज का क्वेश्चन, एसएससी रेलवे में रामबाण है, और कहीं इसको दूसरा ट्रिक और टेक्निक नहीं लगाएंगे, आगे देखेंगे उसके आगे क्या जो होगा सो ही है। क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, कुछ टफ पूरी क्वेश्चन नंबर पांच बोला, पांच तथा छह बजे के बीच दोनों सुइया कब विपरीत दिशा में होगी, तो हमें पता है जब घड़ी की दोनों सुइया एक दूसरे के अपोजिट होगी तो 30 मिनट के अंतराल से अलग होगी। तो बजा पांच, पांच मतलब मिनट का 25 होगा, और जब अपोजिट तो मिनट 30 का अंतर, मिनट 30 का अंतर, तो 30 जोड़ देंगे तो 12 बटा 11 गुना 55, 11 बचे 55 होगा कितना 60 मिनट, बजा कितना 5, और 60 मिनट बराबर एक घंटा, 5 और एक क्या होगा 6, अपोजिट 6 बजे ऑप्शन में होगा है, आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा ए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। लिखा है सेंडिंग, एस ई एन डी आई एन जी के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े, जोड़ा मतलब पेयर, मतलब जोड़ा मतलब पेयर, जिनमें प्रत्येक दोनों अक्षर के बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो जब भी पेयर ऑफ लेटर का क्वेश्चन होगा, पेयर ऑफ लेटर मतलब अक्षरों का जोड़ा, तो सुनिएगा कैसे बनाएंगे, उससे नंबर एक में उससे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेगा, मतलब ए बी सी डी, उसके बाद लेफ्ट से एक एक लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक उसी तरह राइट से भी एक एक लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ी। आइए देखते हैं, बोला सेंडिंग में कितना जोड़ा, तो एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोले तो एस के बाद टी होता है, इन्हीं की जो लिखेगा उसको फिर चलेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, लेफ्ट से एक एक लेटर ई एफ जी एच आई जे नहीं, एन से एन ओ पी क्यू आर नहीं, डी ई एफ जी पेयर होगा, डी ई एफ जी पेयर होगा, आई जे के एन ओ नहीं, अब किधर से राइट से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा याद करेंगे, राइट से भी वन बाई वन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जी एच आई पेयर होगा, जे के एल एम नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस ये भी पेयर होगा, आई जे के एल एम नहीं, डी ई एफ जी नहीं, एन ओ पी नहीं, ई एफ नहीं, बाबू का पेयर एक दो तीन, इसका आंसर तीन होगा। इसका आंसर क्या होगा तीन। तो इस टाइप का आपको रीजनिंग का अलग अलग टॉपिक से प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक हम अपलोड करेंगे। अब तो ठंडा का माहौल स्टार्ट हो गया लेकर के हल्का गला भी फंसा हुआ है, और सुबह से शाम तक ऑफलाइन में बहुत सारा क्लास होता है तो उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अपने आप हम स्वस्थ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोई नए टॉपिक को लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक इस चैनल पे आप बने रहिए।
इस चैनल पे, श्रीवास्तव कैंपस चैनल पे आप बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।